नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन कुमार और आप देख रहे हैं टेक्निकल गुदीन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी Xiaomi इंडिया में अपने Redmi 8 सीरीज के तहत एक नया स्मार्टफोन Redmi 8A जिसे दोस्तों 25 सितंबर यानी आज लॉन्च किया गया। दोस्तों, इस स्मार्टफोन को दमदार टैग पर प्रमोट किया जा रहा है, जिससे दोस्तों यह स्पष्ट होता है कि बजट रेंज में कंपनी अपने यूजर्स को दमदार फीचर की सुविधा देने वाली है। वहीं दोस्तों, इस Redmi 8A की फीचर्स की बात करें तो USB टाइप सी पोर्ट और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों, ट्वीट किए गए पोस्ट में मनु कुमार जैन के हाथों में इस स्मार्टफोन का ब्लू कलर वेरिएंट नजर आ रहा है, जिसमें दोस्तों सिंगल कैमरा और LED फ्लैश दिख रहा है। दोस्तों, Redmi 8A में 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। दोस्तों, इस स्मार्टफोन में लेटेस्ट एंड्रॉइड 9 Pie पर आधारित MIUI 10 पर बेस्ड होगा। इस फोन में 720x1520 पिक्सल के स्क्रीन रेजोल्यूशन के साथ 6.2 इंच का HD+ डिस्प्ले दिया गया है। दोस्तों, यह आईफोन 2 GHz ऑक्टा कोर प्रोसेसर पर रन करेगा। दोस्तों, Redmi 8A को 3 स्टोरेज वेरिएंट देखने को मिलेंगे, जिसमें दोस्तों पहला वेरिएंट 2GB रैम और 16GB स्टोरेज और दूसरा वेरिएंट 3GB रैम 32GB स्टोरेज, 4GB रैम 128GB स्टोरेज देखने को मिलेगी। दोस्तों, साथ ही साथ इन स्मार्टफोन की स्टोरेज माइक्रो SD कार्ड की मदद से 512GB तक एक्सटेंड की जा सकती है। कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ ये वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन को दबा दीजिए। मैं इस तरह की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।